हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी गणित कक्षा 12वीं में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 5 को सॉल्व करेंगे, जो कि प्रश्नावली 3.1 का सवाल है। तो प्रश्न क्रमांक 5 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के जो आई बटन होता है ना ऊपर, देखिए आप आई बटन दिख रहा है, इसमें आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहां क्लिक करके आप प्रश्न क्रमांक 5 का फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न क्रमांक 5 का सेकंड सवाल सॉल्व करने वाले हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, इसको सबसे पहले हम 3x4 का एक आव्यूह मान लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपको एक आव्यूह मान लेना है 3x4 का, जिसमें इसके कुछ अवयव होंगे, जैसे कि A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। तो इसकी सहायता से हम सॉल्व करके इन सभी को मान निकाल लेंगे और इसी में रख लेंगे, तो आपका 3x4 का आव्यूह की रचना हो जाएगी। तो हमको सबसे पहले A11 का मान निकालना पड़ेगा, A12 का। तो यहाँ पर आप देखिए Aij इक्वल टू 2i-j दिया है, तो i और j की वैल्यू हम रखते जाएंगे और मान निकालते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि A11 दिया है, तो इसमें 1 और 1, तो ये आपके i और j के मान होते हैं। तो यहाँ पर हम i का मान भी 1 रखेंगे, j का मान भी 1 रखेंगे। इस प्रकार हम इसको सॉल्व करते हैं, इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए हमको सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो निकालेंगे A11, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे A11 बराबर, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, i का मान यहाँ पर 1 रखेंगे क्योंकि 1 दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसके बाद माइनस लगाएंगे और जे का मान भी 1 रखेंगे। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 2 × 2 − 1, तो इसका आंसर 1 आएगा। इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे A12 का मान, यहाँ पर A12, तो देखिए आप 2 i की जगह पर 1 माइनस जे की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो 2 रख देंगे, यहाँ पर 2 × 2 − 2 0 हो जाएगा। इसके बाद में निकालेंगे हम A13, तो A13 के लिए लिखेंगे 2 i की जगह पर 1 रखेंगे और जे की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर आएंगे आपके −1, क्योंकि 2 × 2 − 3, तो वहाँ पर −1 आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे A14, तो A14 के लिए लिखेंगे 2 और यहाँ पर i का मान 1 रखेंगे, −4, j की वैल्यू 4 है क्योंकि, तो यहाँ पर देखिए 2 × 2 − 4, यहाँ पर −2 आएगा। इसी प्रकार हम लोग A21 निकालेंगे, तो A21 के लिए लिखेंगे 2 i की वैल्यू यहाँ पर 2 दी गई है और j की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 × 2 = 4 − 1, तो 3 आएगा। इसके बाद निकालेंगे A22, तो A22 के लिए लिखेंगे 2 i की वैल्यू 2 है यहाँ पर, माइनस j की वैल्यू भी यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 × 2 = 4 − 2, तो 2 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे A23, तो लिखेंगे 2 और यहाँ पर i की वैल्यू 2 है, माइनस j की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर आएगा 2 × 4 − 3, तो 1 आएगा, ठीक है। इसके बाद निकालेंगे A24, तो A24 के लिए यहाँ पर लिखेंगे 2 i की वैल्यू 2 रखेंगे, माइनस j की वैल्यू 4 रखेंगे, तो यहाँ पर 2 × 4 − 4 0 हो जाएगा। इसके बाद में हम निकालेंगे A31, तो A31 के लिए 2 लिखेंगे और इसके बाद में i की वैल्यू 3 रखेंगे, माइनस और j की वैल्यू 1 रखेंगे, तो क्या आएगा, 3 × 6 − 1 यानी कि 5, ठीक है। इसके बाद में A32 निकालेंगे, तो A32 के लिए यहाँ पर 2 i की वैल्यू 3 होगी, माइनस j की वैल्यू आपकी 2 होगी, तो यहाँ पर 3 × 6 − 2, तो प्लस के 4 आएंगे। इसके बाद में देखिए A33 का मान, ठीक है, तो यहाँ पर 2 i की वैल्यू 3 है और j की वैल्यू भी 3 है, तो यहाँ पर आएगा 3 × 6 − 3, तो आंसर 3 आएगा। इसके बाद निकालेंगे A34, तो A34 के लिए लिखेंगे 2 i की वैल्यू 3 माइनस j की वैल्यू 4, तो यहाँ पर आएगा 3 × 6 − 4, तो 2 आएगा। इस प्रकार हमने देखिए आप जो आपने आव्यूह माना था, इन सभी के मान निकाल लिए। अब इन सभी के मान की जगह पर जो आपने मान निकाले हैं, इन सभी को हम रख देंगे, तो यही हमारा आव्यूह हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम वो भी लिख लेते हैं, तो इस प्रकार आपको लिख लेना है, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा 3x4 का आव्यूह, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 6, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, इसमें दिया है निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको x, y, z के मान निकालना है, तो आप देख सकते हो 1, 2, 3, तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रश्न क्रमांक 6 के अंतर्गत 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो इसमें आपको x, y, z के मान ज्ञात करना है प्रत्येक क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले
फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको तुलना करना है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर 2x2 का है तो यहाँ पर भी 2x2 का है, दोनों इक्वल में है, तो आप कह सकते हो कि आप व्यू दोनों समान है। इसी प्रकार यहाँ पर दोनों आप व्यू समान है और यहाँ पर भी दोनों आप व्यू समान है, इसलिए हम तुलना करते जाएंगे और मान निकालते जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार आपको पहले लिख लेना है, इसके बाद में हम नीचे लिख देंगे यहाँ पर, चूंकि दोनों अवयव समान है इसलिए इसके संगत अवयवों की तुलना करने पर, यदि इसके संगत अवयव की तुलना करते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया है 4, 4 की तुलना होगी इसके संगत अवयव 22 से, तो 22 का मान 4 हो जाएगा। इसी प्रकार x की तुलना 1 से हो जाएगी तो x का मान 1 हो जाएगा, बस यही तो करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सबसे पहले कि चूंकि प्रदत्त अवयव समान है इसलिए इनके संगत अवयव समान होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपको लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर डायरेक्टली तुलना कर देना है जहाँ पर आपको एक्स वाई दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको एक्स वाई के मान भी चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पर 4 की तुलना 22 से कर देंगे तो यहाँ पर आएगा वाई इक्वल टू 4, और यहाँ पर देख सकते हो आप एक्स की तुलना 1 से करेंगे तो एक्स इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको x और y के मान मिल गए, यदि आप इनकी भी तुलना करते हो तो इनका कोई मतलब नहीं लिखने का, ठीक है। यहाँ पर आपको z का मान मिल जाएगा, तो इसकी तुलना 3 की z से हो जाएगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 इक्वल टू z, या फिर आप लिख सकते हो z इक्वल टू 3 डायरेक्टली, ठीक है। तो इस प्रकार आपको x, y और z के मान मिल गए। इसके बाद में यदि आप 5 की तुलना 5 से करते हो तो इसका कोई मतलब नहीं लिखने का, इसलिए आप रहने दो। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए, तो इस क्वेश्चन में आपको तुलना करना है डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले नीचे लिख देते हैं कि चूंकि प्रदत्त अवयव दोनों समान है इसलिए हम इनकी तुलना करने पर, ठीक है। तो इस प्रकार आपको लिख लेना है, इसके बाद में आपको तुलना करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 6, इसको हम बनाएंगे समीकरण 1, ध्यान रखना है आपको, इसको हम समीकरण 1 बनाते हैं। इसके बाद में तुलना करते हैं इसकी, 5 प्लस जेड इक्वल टू आएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 प्लस जेड बराबर 5, देखो यहाँ पर 5 प्लस जेड बराबर 5, ठीक है। तो यहाँ पर जेड का मान क्या आएगा, जेड का मान आएगा 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, तो जेड का मान आ गया यहाँ पर 0। इसके बाद में हम तुलना करते हैं x प्लस वाई की यहाँ पर 8 से, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा एक्स बाई इक्वल टू 8 आएंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम x इक्वल टू 8 बटे वाई, तो इस x का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर क्या आएगा, x की जगह पर हम 8 बटे वाई लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8 बटे वाई प्लस वाई बराबर 6, ये आएगा आपका यदि x का मान समीकरण 1 में रखते हो। इसके बाद में आपको वाई से पूरे समीकरण में गुणा कर देना है, ठीक है, वाई से पूरे समीकरण में गुणा करने पर, यदि आप वाई से पूरे समीकरण में गुणा करोगे तो यहाँ पर वाई से वाई कटने पर 8 आएंगे, और यहाँ पर वाई से गुणा होगा तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 2y इक्वल टू 6y। इसके बाद में हम 8 को इस साइड पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6y को इस साइड ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6y माइनस के 2y इक्वल टू माइनस के 8, और यहाँ पर आपके 6y को इस साइड ले जाओगे तो जी माइनस के हो जाएंगे, ठीक है, और प्लस के आपके 2y थे पहले से, ठीक है, और बराबर में 8 साइड लाओगे तो माइनस के 8 हो जाएंगे। इसके बाद मेरी 6y में से 2y प्लस के घटाओगे तो माइनस के आएंगे आपके 4y इक्वल टू माइनस के 8, और माइनस माइनस बराबर में होने के कारण आपस में कट जाएंगे तो यहाँ पर y इक्वल टू आएंगे 8 बटे 4, और 4 से डिवाइड करोगे यदि, ठीक है, तो आएगा आपका y का मान 4, 4 दूनी 8 सॉरी 2 आएगा, ठीक है। तो y का मान यहाँ पर 2 आया, और यदि हम y का मान समीकरण 1 में जैन की तीन रख देते हैं, या फिर वहां पर ना रख के आप यहां पर भी रख सकते हो, यहां पर देखो आप x का मान 8 बटे y आया था ना, तो y का मान हम यहां पर 2 रख देंगे तो x का मान 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम डायरेक्टली लिख देंगे x इक्वल टू 8 बटे y की जगह पर 2, तो x का मान आएगा आपका 4। तो इस प्रकार आपके x, y, z के मान निकल आए, x का मान 4, y का मान 2 और z का मान 0 आया था, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि तीसरा है, प्रश्न क्रमांक 6 का, इसमें भी आपको x y z के मान निकालना है।
तो इस क्वेश्चन में हम तुलना करेंगे, तो यहाँ पर पहले तो लिख देंगे डायरेक्टली कि दोनों अव्यय दोनों आपस में समान है, इसलिए हम इसकी संगत अवयव की तुलना करने पर, तो यहाँ पर अब हम तुलना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू आएंगे आपके 9, और x प्लस जेड इक्वल टू आएंगे आपके 5, और y प्लस जेड इक्वल टू आएंगे आपके 7। अब आपको इनको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर इसको बनाएंगे हम समीकरण एक, ठीक है। इसको हमने समीकरण एक बनाया और यहाँ पर इसको थोड़ी सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर आपका x का मान निकाल लेंगे तो y माइनस जेड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ x प्लस जेड इक्वल टू 5 थे, तो यहाँ पर हमने x का मान निकाल लिया तो 5 माइनस जेड आएंगे, तो इनको हम बनाएंगे समीकरण दो, ठीक है। इसी प्रकार y प्लस जेड तथा y प्लस जेड इक्वल टू 7, ठीक है। तो यहाँ पर हम y का मान निकालेंगे तो क्या आएगा 7 माइनस जेड, इसको बनाएंगे हम समीकरण 3। अब हम यहाँ पर x तथा y के मान रख देंगे समीकरण एक में, ठीक है। तो रख लेते हैं, यहाँ पर पहले लिख लेना है आपको कि x तथा y के मान समीकरण एक में रखने पर तो यहाँ पर रख देते हैं अब हम। तो x का मान क्या है, यहाँ पर x का मान है आपका 5 माइनस जेड, प्लस y का मान क्या है 7 माइनस जेड, प्लस जेड पहले से है बराबर में 9। तो आपका समीकरण एक में मान रख दिया, अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए 7 5 कितने हुए 12, ठीक है, और माइनस के जेड और माइनस के जेड और एक है प्लस का जेड, तो माइनस प्लस के तो कट जाएंगे, ओनली एक माइनस का जेड ही बचेगा। तो यहाँ पर आएगा 12 माइनस जेड बराबर में 9, ठीक है, और माइनस जेड बराबर 9, माइनस के यहाँ पर 12 हो जाएंगे, क्योंकि 12 इस साइड जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के जेड और माइनस के यहाँ पर बचेंगे 3, माइनस 12 में से 9 हटेंगे माइनस 3, तो जेड इक्वल टू आएगा 3, क्योंकि माइनस से माइनस आपस में कट जाएगा। देखिए यहाँ पर 12 माइनस जेड इक्वल टू 9 है, और माइनस के जेड 12 को इस साइड पहुंचा दिया, ठीक है, तो क्या आएगा माइनस जेड इक्वल टू प्लस के 9 और माइनस के 12, माइनस के 12 में से प्लस के 9 हटेंगे तो माइनस 3 आएंगे, और माइनस जेड पहले से, माइनस से माइनस कटने पर जेड बराबर कितने आएंगे 3 आएंगे, ठीक है। अब क्या करना है आपको, z का मान समीकरण दो में रख देना है, यहाँ पर z का मान रख दोगे तो x का आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं क्या करना, तो यहां पर पहले लिख लेना है कि z का मान समीकरण दो में रखने पर, तो यहाँ पर आएगा x इक्वल टू 5 माइनस जेड की जगह पर 3, तो x का मान आएगा आपका 2, ठीक है। अब x का मान 2 आ गया, अब आपको z का मान समीकरण 3 में भी रखना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे z का मान समीकरण 3 में रखने पर, z का मान समीकरण 3 में रखने पर तो क्या आएगा, देखिए समीकरण 3 क्या था, y इक्वल टू 7 माइनस जेड की जगह पर 3 रख देंगे, तो वाई का मान क्या आएगा 4 आएगा ना। तो इस प्रकार हमारे एक्स वाई और जेड के मान निकल आए, तो यहाँ पर अतः करके आप लिख सकते हो कि एक्स का मान है जो आपका 2 आ गया है, और वाई का मान 4 है, और जेड का मान आपका 3 है, ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर होगा। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आगे के क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जो हम प्रतिदिन वीडियो आपको भेजते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप वीडियो को देख सको। धन्यवाद।